Hello everyone, welcome to all of you in FFB live chemistry classes. I hope everything is fine. पिछले दो तीन दिनों से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे तुम लोगों की स्टडी चल रही है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम इस पे डिटेल में स्टडी किया था, डिटेल में बताया था उसके बारे में सारे प्रोसेस किस तरह से होते हैं और किस तरह से एक इम्पोर्टेंट ओर से प्योर मेटल किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। आज के क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल आयरन, इसकी मेटलर्जी पे डिस्कस करेंगे और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट मेटलर्जी ऑफ जिंक। तो आज भी दो मेटल लिया है, पहली है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटल आयरन की, उसके बाद जिंक की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Yes. तो हम टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो सबसे पहले अपरेंस, आयरन इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एंड द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन नेचर। इट ऑकर्स इन कंबाइंड स्टेट। द मेन ओर्स ऑफ आयरन आर, फर्स्ट हम ऑक्साइड और देखेंगे। ऑक्साइड आर में मैग्नेटिक आयरन, मैग्नेटिक और हेमेटाइट और लाइमोनाइट और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो पहले मैग्नेटिक Fe2O3, क्योंकि ऑक्साइड और सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजुअली ब्लैक इन कलर, इज रिचेस्ट ओर ऑफ आयरन एंड कंटेन अप टू 70% ऑफ द मेटल। सेकेंड इंपॉर्टेंट ओर इज ऑक्साइड ओर इज हेमेटाइट Fe2O3, it is usually red in color. And third important oxide ore is limonite or hydrated ferric oxide Fe2O3.3H2O. It has yellow, brown or red color. दूसरे तरह की ओर है कार्बोनेट ओर, जिसमें है सिडेराइट और सेपेथिक आयरन, that is FeCO3. It is also called clay iron stone due to the presence of excess of clay in it. Now sulfide ores, third type of ore are iron pyrite FeS2. It is mainly used for the manufacture of sulfur dioxide, from which sulfuric acid is formed, is obtained. It is not used for extraction of iron. उसके अलावा है कैल्कोपाइराइट CuFeS2, इट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मोस्टली। आयरन ओर हैव बीन रिपोर्टेड एट मेनी प्लेस, स्पेशली इन इंग्लैंड, स्वीडन, जर्मनी, यूएसए, रशिया, बेल्जियम, फ्रांस, कनाडा एंड इंडिया। ह्यूज डिपॉजिट ऑफ रेड हेमेटाइट आर अवेलेबल इन इंडिया इन मयूरभंज, उड़ीसा, सिंघनम, बिहार, मध्य प्रदेश एंड मैसूर। ऑन द होल इंडिया पजेस अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड रिजर्व ऑफ आयरन ओर्स। नाउ आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड ओर्स, स्पेशली फ्रॉम द मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लाइमोनाइट ओर्स। द एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन बाय ग्रेविटी प्रोसेस। द ओर इज क्रश्ड टू स्मॉल पीस एंड वॉश्ड विद वाटर टू रिमूव सिलिसियस इंप्योरिटीज। द वॉश्ड ओर इज देन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ कैल्सिलेशन एंड रोस्टिंग। द कंसंट्रेटेड ओर इज heated in excess of air. This treatment produces the following results. Moisture and carbon dioxide are removed by heating in excess of air Fe2O3.3H2O.
this is hematite. When heated, it forms ferric oxide and water vapor remove हो जाती है. और FeCO3 और है अगर, तो इससे क्या होगा, ये FeO में कन्वर्ट हो जाता है. फेरिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव एंड कार्बन रिमूव्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. सल्फर आर्सेनिक स्पेक्ट्रा आर ऑक्सीडाइज टू देयर ऑक्साइड्स एंड आर दस रिमूव्ड एज वोलेटाइल गैसेस. तो सल्फर और आर्सेनिक प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होके बाहर हो जाता है. Now, ferrous oxide is oxidized to ferric oxide. Ferrous oxide बना था, पहले रिएक्शन में ferric oxide बना था, दूसरे में ferrous oxide. ये oxygen से oxidize होके ferric oxide में convert हो जाता है. Now, the entire mass becomes porous. उसके बाद second step होता है smelting. The calcinite ore is mixed with limestone, CaCO3 and oak. इन द रेशियो 8:1:4 यानी और जो कैल्सिनाइट और 8 का रेशियो, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट और उसके बाद ओर, एंड इंट्रोड्यूस इन ए ब्लास्ट फर्नेस फॉर स्मेल्टिंग. अब ब्लास्ट फर्नेस का स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ चुके हो, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में भी शॉर्ट में बताया था. यहाँ हमें डिटेल में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो आयरन के एक्सट्रैक्शन में होता है ब्लास्ट फर्नेस का. ब्लास्ट फर्नेस इज ए चिमनी लाइक टॉल स्टील स्ट्रक्चर लाइन विथ फायर विच 25-60 meters हाई एंड 8-10 meters इन डायमीटर एट इट्स विड पार्ट. इसका इड पार्ट जो है वो डायग्राम में भी दिखेगा. द फर्नेस हैज थ्री मेन पार्ट. फर्स्ट ए डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट, ये सबसे ऊपर होता है. At the top, the furnace has a hopper which rests over a cup and cone arrangement. By this arrangement, charge is introduced into the furnace, and also the arrangement prevents the exist of gases during the charging. उसके बाद second part है shaft. It is formed by joining two cone. It is joined by joining two cones. The upper one is called the body and the lower one is called wash. At the upper part, there is a hole through which the hot burned mixture of waste gases is kept. In the lower part, there are opening for the insertion of water cooled pipes called tires, through which a blast of hot air is sent upward in the furnace. Third part is heart. This is the lowest part of the furnace and serves as a large crucible. It is provided with two holes, one for the removal of slag and other for molten metal. Now, the charge is introduced in the furnace by lowering the cup and cone arrangement, and at the same time the furnace is lit and a blast of hot air is sent upward through the tires. The temperature varies from 1600 degree to 250 degree centigrade in the furnace from bottom to top. On the basis of variation in temperature, there are four zones where different chemical changes occur. The four zones बताने से पहले ये blast furnace का structure है पूरा, अभी धीरे धीरे आगे आएगा. ऊपर क्या कोक और एडेड फ्रॉम द, यहाँ पे ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है जहां से हम जो जिस कैल्सिलेटेड मेटल का हमें इस स्मेल्टिंग करनी है वो यहाँ से डालते हैं. उसके बाद इस और स्कैप होने के लिए यहाँ पे गैसेस को बाहर निकालने के लिए इस तरह से बना होता है हॉट गैसेस थ्रू कवर स्लोप. दिस इज हूपर, दिस इज दी कप, दिस इज कप एंड दिस इज कोन. अब उसके बाद ये सबसे ऊपर का पार्ट है, यहाँ से जो चार्ज है वो डाला जा रहा है, यानी कैल्सिनेटेड ओर्स डाली जा रही है. यहाँ का टेम्परेचर होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड. ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इस तरह से. 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेरिक ऑक्साइड Fe है, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, कन्वर्ट हो जाता है Fe3O4 plus CO2 निकल जाती है, जो कि बाहर निकल जाती है यहाँ से.
उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर होता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड। Fe2O4 जो यहाँ बना था, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट हो जाता है और CO बाहर। और नीचे जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ ये जो फॉर्म हुआ था FeO, ये रिएक्शन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इस टेम्परेचर पे ये बनाता है Fe+CO2। इसके आगे जाने पे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि कोक डाला गया था, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो आगे के रिएक्शन में, ऊपर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। और 1600 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है, जहाँ कार्बन यानी कोक का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है और CO2 बनता है, जो ऊपर जाती है और आगे के रिएक्शन में यूज होती है। उसके बाद ये नीचे का पार्ट है मोल्टन स्लैग, ऊपर ये इस आ जाता है, जिसको यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाहर, स्लैग टैप कॉपियर। ये बस्टिल हीप हॉट एयर यहाँ से भेजते हैं, बस्टिल पाइप है ये, टॉयर्स ये होते हैं, आयरन टैप, यहाँ से आयरन जो मोल्टेन आयरन यहाँ पे इकट्ठा होता है सबसे नीचे, उसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है ब्लास्ट फर्नेस का, जो पहले भी देख चुके हो। छोटा नहीं होगा तो बहरहाल ये यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, इसको किताब में ये डायग्राम दिया होगा, इसको देख करके बनाएंगे। अब चार जोन के बारे में जो बताया था कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर पूरे फर्नेस में जो रिएक्शन होता है उनको हमने चार जोन में बांटा है। पहला है कम्ब्यूशन जोन, दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस अबव हार्ट, वेयर द टेम्परेचर इज अबाउट 1500 to 1600 degree centigrade। अभी दिखाया था। इन दिस जोन कार्बन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए लॉट ऑफ हीट। कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस अपवर्ड एंड मीट्स विद रेड हॉट कोक, इट इज रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे लोएस्ट पार्ट में 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनता है कार्बन, कोक का ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर ये ऊपर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोक से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो ऊपर जा करके जिस जो मेल्ट कराती है, जो ओर डाला गया है उसमें प्रेजेंट फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड को। उसके बाद सेकंड जोन है रिडक्शन जोन, दिस इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्नेस, टेम्परेचर वरीज फ्रॉम 250 डिग्री सेंटीग्रेड to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। द ऑक्साइड ओर इज रिड्यूस टू आयरन इन दिस जोन, द रिडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। रिएक्शन वहां दिखाया है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन रही थी फर्स्ट जोन में, कंब्यूशन जोन में, वो फेरिक ऑक्साइड से रिएक्शन करके इसे Fe3O4 में कन्वर्ट कर देती है 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर Fe3O4 रिएक्शन होता है CO से 500 to 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, फेरस ऑक्साइड में बदल जाता है और CO2 रिमूव होती है। फिर फेरस ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड और Fe अलग हो जाती है, FeO जो थे ये Fe+CO2 बनता है। आयरन फॉर्म दिस, ये आयरन जो यहाँ बन रहा है, आयरन फॉर्म दिस कॉल्ड स्पंजी आयरन इन द रिडक्शन रिएक्शन, हीट इज आल्सो इवॉल्व विच डिकम्पोजेस पार्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन। तो हॉट स्पंजी आयरन से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में डिकम्पोज कर देती। उसके बाद थर्ड जोन है स्लैग फॉर्मेशन जोन, दिस इज द सेंट्रल जोन वेयर द टेम्परेचर वरीज फ्रॉम 800 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। द लाइम स्टोन प्रेजेंट इन द चार्ज डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हियर द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम कार्बोनेट जो डाला गया था साथ में, वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है।
Now calcium oxide act as flux as it is combined with silica present as an impurity, which is known as GaN, to form a fusible slag of calcium silicate. CaO reacts with silica to form calcium silicate. Silicates, phosphates and magnets present as impurities in ore are reduced to silicon, phosphorus, manganese respectively. Phosphorus pentoxide reacts with coke. It forms, it reduces into phosphorus and form carbon monoxide. इसका use हो जाता है furnace में. इसी तरह SiO2 और जो excess में होती है वो बाहर निकल जाती है. SiO2 reacts with carbon. It converted into silicon and CO is removed. MnO2 manganese dioxide reacts with carbon to form. These are the plus, not to divide division. It forms Mn plus 2CO. These are partly absorbed by iron. Spongy iron इनको absorb करके spongy हो जाता है and partly by slag. Calcium phosphate react with silica with carbon. It forms calcium silicate and phosphorus and carbon monoxide. Here phosphorus reacts with iron to form phosphorus ferrous phosphide. Now fourth zone. So ये सारे reaction थे third zone के. Fourth zone of fusion. This is a zone just above the zone of combustion. The temperature ranges between 1200 to 1500 degree centigrade. The spongy iron which has absorbed already carbon, silicon, phosphorus, manganese, etc. melt at 1300 degree centigrade and collect at the bottom of the heart. The slag is being lighter floats over the molten iron and prevents the oxidation of molten metal. The slag and molten metal are removed from their respective holes. The molten metal is run into molds and is allowed to solidify. Now flow sheet of for extraction of iron. Short में समझने के लिए flow sheet बनाई गई है. इसको पूरी process समझने के बाद short में हम इन step को याद रखेंगे तो बाकी चीजें detail में समझा सकते हैं. Iron ore पहले इसका concentration होता है by gravity process followed by electromagnetic separation. उसके बाद कैल्शिनेशन एंड रोस्टिंग. इसमें ओर प्लस एयर हीट करते हैं तो मॉइस्चर CO2 SO2 AS2O3 रिमूव हो जाता है. NFeO फेरिक फेरस ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक ऑक्साइड. उसके बाद स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस. इसमें क्या लेते हैं ओर प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन. द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स. Fe2O3 reacts with carbon monoxide at 400 to 700 degree centigrade. It forms spongy iron and carbon dioxide. Calcium carbonate at 1000 degree centigrade converted calcium oxide to CO2. This reacts with silicate to form calcium silicate slag. And carbon dioxide decomposes into carbon monoxide decomposes into carbon dioxide and carbon is tarah se ye pura reaction following reaction occurs. Now Si2 reacts with carbon at 1200 degree centigrade to convert into silicon and carbon monoxide. MnO2 reacts with carbon or coke, it converted into Mn and NCO. And phosphorus pentoxide reacts with carbon to form phosphorus and carbon monoxide. Spongy iron plus carbon, manganese, silicon, etc. क्या है impure iron में absorb होता है. 1600 degree centigrade पे जो reaction होते हैं carbon reacts with oxygen to form carbon dioxide. And this react with carbon at 1500 degree centigrade to form carbon monoxide. तो इस तरह से जो iron मिलता है उसको pig iron कहते हैं. इसे remelt करते हैं और cool करते हैं तो cast iron बनता है.
इस तरह से मेटलर्जी में हमें जो Fe मिलता है वो 90, उसमें 93% आयरन होता है, कार्बन 5% एंड इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीज फास्फोरस सिल्कन एक्सेट्रा आर 2%। नाउ आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड पिग आयरन। इट कंटेन्स 93% आयरन, 5% कार्बन एंड रेस्ट सिल्कन मैग्नीज फास्फोरस एक्सेट्रा एज इम्प्योरिटीज। द पिग आयरन इज रीमेल्टेड एंड कास्ट आर पोर्ड इन टू मोल्ड, दिस इज नोन एज कास्ट आयरन। हेंस आफ्टर रीमेल्टिंग द पिग आयरन बिकम्स कास्ट आयरन। When the molten pig iron is cooled at once, the iron. When the molten pig iron is cooled at once, the iron is called white cast iron, which contains carbon in the form of cinetite, Fe3C. And when the molten pig iron is cooled slowly and slowly, the iron is called a gray cast iron, which contains carbon in the form of graphite. Now, types of iron. There are three commercial varieties of iron depending on their carbon content. First is cast iron. It is the most impure form of iron and contains the highest percentage of carbon from 2.5 to 5% and about 2% of other impurities like silicon, phosphorus, manganese, sulfur. Cast iron is of two types. First, white cast iron. Carbon is present in the form of cementite, Fe3C. The second type is gray cast iron. Carbon is present in the form of graphite. Carbon is present in form of graphite. Cast iron melt at about 1250 degrees centigrade due to presence of impurities, where pure iron melts at 1530 degrees centigrade. The molten cast iron expands on solidification and hence it produces good castings. Various articles such as stove pipes, radiators, railway sleeper, cutter pipes, toys, etc. prepared from cast iron. Cast iron does not rust easily and neither be tempered. Due to high carbon content, it is hard and brittle and cannot be welded. It has very little ductility and thus cast iron is not suitable for forging. Now, second type of iron is wrought iron. It is the purest form of iron. It contains the lowest percentage of carbon. From 0.1 to 0.25% and 0.3% other impurities. It is manufactured from cast iron by pudding process. Now, wrought iron is manufactured in a special type of reverberatory furnace called pudding furnace. The wrought iron is manufactured in a special type of reverberatory furnace called pudding furnace, the heart of which is lined with hematite, Fe2O3. The cast iron is melted on the heart of the furnace by the hot gases and stirred with long iron rods. The impurities of cast iron are rapidly oxidized by oxygen of hematite, that is lining, oxides of carbon and sulfur being volatile escape with those of manganese, phosphorus, silicon and slag. The reaction is here. Carbon reacts with Fe2O3, converted into Fe plus CO, balance reaction, 2 Fe plus 3 CO.
and silicon reacts with Fe2O3 to form silica and iron remove. Mn reacts with Fe2O3, तो MnO में कन्वर्ट हो जाता है, ये आयरन अलग हो जाता है. MnO reacts with silicate, it forms manganese silicate, this is slag. Phosphorus reacts with ferric oxide to form phosphorus pentoxide and iron is removed. And this phosphorus pentoxide reacts, ये phosphorus से reaction, यहाँ phosphorus pentoxide से reaction. तो फेरस फॉस्फेट बनता है और ये स्लैग, ये क्या होता है स्लैग, तो ये और ये दोनों क्या है स्लैग. विद द रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल राइजेस एंड इट बिकम्स ए सेमी सॉलिड मॉस. द सेमी सॉलिड मॉस इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स एंड इज बीटन अंडर स्टीम हैमर्स टू स्क्वीज आउट एज मच ऑफ स्लैग एज पॉसिबल. This produce almost pure iron, known as wrought iron. So, two most very important types of iron थे ये. Now, properties of wrought iron. Wrought iron is extremely tough, highly malleable and ductile. It softens at about 1000 degree centigrade and then it can be formed and welded. And third property, on account of presence of very small percentage of slag, it has a fibrous structure and thus can withstand high stresses. Wrought iron is resistant towards rusting and corrosion. The use of wrought iron, it is used to make chains, nail, hooks, bolts, agricultural implement and electromagnets. Bars, wires, etc. Now, third type of iron is steel. Pehla tha cast iron, dusra wrought iron, or third type of iron is steel. Steel is the most important commercial variety of iron. The percentage of iron in this form of iron is midway between that of cast iron and wrought iron. That is 0.25 to 2%. There are many varieties of steel depending on the amount of carbon present in it. First, mild steel. This contains low percentage of carbon. Such steels show the properties of wrought iron along with elasticity and hardness. Second type of steel, hard steel. This contains high percentage of carbon. They are hard and brittle. And third type, special steels or alloy steel. Steel mixed with small amount of nickel, cobalt, chromium, tungsten, molybdenum, manganese, etc. acquires special properties. Such products are called special steel or alloy steel. Some important alloy steel are listed here. First is, यहाँ पे name of the alloy of steel, metal कितना add किया गया, properties और use इस तरह से किया पूरा table में. पहला name of the alloy, Invar. Metal added 36% nickel होता है इसमें. Properties coefficient of expansion is very small. Use measuring taps and pendulums बनता है इससे. दूसरे तरह का है क्रोम वैनेडियम स्टील. इसमें 1% क्रोमियम एंड 0.15% वैनेडियम मिक्स होता है. दिस इज हाई टेंसाइल, हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड यूज स्प्रिंग शाफ्ट एंड एक्सलेस में इसका यूज होता है. उसके बाद है मैग्नीज स्टील. स्टील इट कंटेन 12 to 15% ऑफ मैग्नीज. प्रॉपर्टी हार्ड एंड टफ and used in rock crushing machinery, safes, helmets, etc. उसके बाद है stainless steel. इसमें 11.5% chromium and 20% nickel होता है. Resist tough corrosion. Common articles जितने भी बर्तन वगैरह बनते हैं ये इसी stainless steel से बनते हैं. उसके बाद है tungsten steel. इसमें tungsten होता है 14 to 20% and 3 to 8% chromium. Very hard. उसकी प्रॉपर्टी है वेरी हार्ड होता है. ये हाई स्पीड टूल्स बनाने में इसका काम होता है. नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. मेनी मेथड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. सम आर हियर. फर्स्ट इज बेसेमर प्रोसेस.
The process is based on the fact that impurity of pig iron are completely oxidized in presence of hot air blast. That is virtually wrought iron is obtained. This is then mixed with a known amount of spiculation. Spiculation. And alloy of iron, manganese and carbon to obtain steel. The process is carried out in Bessemer converter. Lined with Bessemer converter, lined with silica bricks. The molten pig iron is introduced in the converter and a blast of hot air is blown through it from the bottom and keeping the mouth of the converter vertically upward. Now silica and manganese present in pig iron are first oxidized and then combined to form slag. So, silica or manganese oxygen se react karke pehle silicon oxide manganese manganese oxide banate hain. और बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम ये है. सबसे ऊपर ही वेस्ट गैसेस निकलने के लिए एक रास्ता बना है. बेसिक लाइनिंग अंदर क्या है, यहाँ हॉट एयर यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं. मोल्टेन मैट एंड सॉइल यहाँ पे देते हैं सबसे नीचे की तरफ. टायर्स हैं, उसके बाद हॉट एयर यहाँ से आती है और इस तरह से ये भेजी जाती है. अब यहाँ पे जो ये ऊपर रिएक्शन बताया इसमें होता है ब्लास्ट कन्वर्टर में, बेसेमर कन्वर्टर में. तो यहाँ पे बेसेमर कन्वर्टर का डायग्राम देखा, रिएक्शन ये बता रहे थे. पहले SiO2 MnO बनता है, उसके बाद ये सिलिकेट बनाता है. MnO और SiO2 मिलकर के मैंगनीज सिलिकेट बनाता है. In the end, carbon is oxidized to carbon monoxide, which burns with blue flame at the mouth of the converter. Some iron is also oxidized, which convert the carbon into carbon monoxide. चले FeO2 से रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और ये कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है. When whole of the carbon is oxidized, the blue flame suddenly dies out. The air supply is stopped for a while and the requisite amount of spiculation is added. The blast is continued just for a moment to ensure complete mixing. The resulting product is the manganese steel. Fe reacts with O2 to form Fe2O3 and Fe2O3 reacts with carbon to form Fe and 3CO. तो ये वही चीज शायद repeat हो गई है manganese steel तक. Now when cast iron or pig iron contains phosphorus, as an impurity, a basic lining of CaO or MgO is used in the Bessemer converter. तो बेसेमर कन्वर्टर भी कई तरह के होते हैं. तो जब पिग आयरन में फास्फोरस ज्यादा होगा तो बेसिक लाइनिंग जो होगी वो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड की होगी बेसेमर कन्वर्टर में. नाउ फास्फोरस इज ऑक्सीडाइज्ड टू P4H10, दैट इज फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, व्हिच कंबाइन विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम फॉस्फेट एज स्लैग. इस तरह से फास्फोरस रिएक्ट्स जो प्रेजेंट है आयरन में वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है जो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम सिलिकेट फॉस्फेट बनाता है. दिस स्लैग इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड नोन एज थॉमस स्लैग. ओपन हार्ट प्रोसेस ऑफ साइमन मार्टिन प्रोसेस. ओपन हार्ट प्रोसेस सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस है. पहला था बेसेमर कन्वर्टर में और दूसरा ओपन हार्ट प्रोसेस और साइमन मार्टिन प्रोसेस. दिस इज मार्टिन प्रोसेस एंड द फर्नेस यूज कंसिस्ट ऑफ एन ओपन हार्ट. द हार्ट इज लाइंड विद सिलिका और कैल्सिनाइट डोलोमाइट, दैट इज CaO, MgO. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन पिग और कास्ट आयरन. Silica lining is used if the impurities are manganese, silicon, etc. And calcinite dolomite lining is used if much of phosphorus is present.
A high temperature of about 1500 degree centigrade is generated by burning producer gas, which works on regenerative system of heat economy. डायग्राम इस तरह से होता है पूरा. दिस इज द हार्ट लाइनिंग बेसिक CaO और MgO एसिड. बेसिक लाइनिंग होगी CaO और MgO की और एसिड होगी SiO2. दिस इज रेफ्रेक्टरी लाइनिंग हो गई. उसके बाद मोल्टेन पीक आयरन यहाँ पे लेते हैं. इधर से गैसेस एंड एयर और O2 ये यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं और यहाँ कंप्लीट सब रिएक्शन होने के बाद प्री हीट गैस एंड एयर स्पेंट गैस यूज टू प्री हीट गैस एंड एयर ये सारी बाहर निकल जाती है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, इस प्रोसेस का. द चार्ज कंसिस्ट ऑफ पिग और कास्ट आयरन, आयरन स्क्रैप, आयरन ओर, हेमेटाइट एंड लाइम. The charge is heated on the heart of the furnace. The impurities are oxidized by the iron ore. तो reaction इसमें ये होते हैं. Silicon का reaction Fe2O3 से होता है. तो ये Fe और silica अलग हो जाता है. मैग्नीज का reaction इसका होगा तो Fe अलग होगा और ये ऑक्साइड यहाँ से अलग हो गई MnO बनाते हुए. अब ये दोनों जो बने SiO2 MnO ये दोनों मिलकर के स्लैग बना लेते हैं. दूसरी तरफ कार्बन का रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड से होता है तो Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. फास्फोरस रिएक्ट्स विद फेरिक ऑक्साइड टू फॉर्म फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड आयरन. नाउ कैल्शियम, जब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बना था ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है और कैल्शियम ऑक्साइड सिल्का से रिएक्शन करके बनाता है कैल्शियम सिल्केट. तो ये स्लैग हो गए तीनों, CaSiO3 और इधर MnSiO3 और इधर कैल्शियम फॉस्फेट. उसके अलावा अब आयरन फेरिक ऑक्साइड सल्फर से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है जो बाहर निकल जाती है Fe में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ सैंपल ऑफ स्टील आर ड्रॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टेस्टेड फॉर कार्बन कंटेंट. फाइनली स्पिगलेशन एंड दिस इज दी Ni ऑफ आयरन मैग्नीज एंड कार्बन. दिस स्पिगलेशन इज Ni ऑफ आयरन मैग्नीज एंड कार्बन. तो फाइनली दिस इज एडेड टू द मोल्टेन मॉस टू ऑब्टेन डिजायर्ड स्टील. द प्रोसेस टेक्स प्लेस 8 to 10 hours फॉर कंप्लीशन. प्रोसेस टेक्स लॉन्गर टाइम देन बेसेमर्स प्रोसेस बट इट हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर बेसेमर्स प्रोसेस. द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड एज द हीटिंग इज डन एक्सटर्नली एंड एज इट इज अ स्लोअर प्रोसेस इट कैन बी कंट्रोल्ड इन बेटर वे. द कंपोजिशन एंड क्वालिटी कैन बी वेल कंट्रोल्ड. And third advantage is the loss of iron is this process is only 4% while the loss is about 15% in Bessemer process. In this process, scrap iron is reused. This yields better quality of steel and a considerable economy of the fuel is achieved by using the regenerative system. Third process is electric process. This process is similar to open heart process with the difference that heating is done electrically. The steel of much better quality can be obtained by the process is rather costly. The process consisting in heating of the charge having pig or cast iron, scrap iron, iron ore, hematite and lime in an electric furnace using vertical carbon electrodes. When the arc is stuck between the electrodes, the high temperature about 2000 degrees centigrade is generated. Melt the charge and chemical reaction start instantaneously. The impurities are oxidized by iron ore in the same fashion as in the open heart process. तो जो पहले रिएक्शन सारे दिखाए हैं इससे पहले के प्रोसेस में तो इम्प्योरिटीज आर ऑक्सीडाइज बाय आयरन आर इन सेम फैशन एज इन द ओपन हार्ट. सेम रिएक्शन होते हैं जैसे कि इससे पहले जो रिएक्शन बताए थे वही रिएक्शन यहाँ पे लिख सकते हो. दिस मेथड इज स्पेशली यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एलॉय स्टील. स्ट्रक्चर इसका इस तरह से होता है पूरा. दिस इज द
टिल्टिंग मैकेनिज्म के लिए ये इस तरह से इसमें फिट होता है। ये हीट रेसिस्टेंट ब्रिक होती है। ये यहाँ पे डोर फॉर द लोडिंग, यहाँ से चार्ज डाला जाता है, और दिस इज डोर फॉर अनलोडिंग निकालने के लिए, और स्क्रैप स्टील यहाँ बनता है, आर्क प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स डाल करके इलेक्ट्रिसिटी से। तो टेम्परेचर कितना, अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और सारे रिएक्शन जो पहले के एग्जाम में दिखाए हैं उसी तरह के रिएक्शन होते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड स्टील प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन। पहले कास्ट आयरन का केमिकल कंपोजिशन, कास्ट आयरन, फिर रॉट आयरन, फिर स्टील। तो केमिकल कंपोजिशन है कास्ट आयरन, आयरन है 93 to 95%, कार्बन 2 to 5%, 2 to 5 to 5%, इम्प्योरिटीज अबाउट 2%। रॉट आयरन प्योरिटी होती, इसमें आयरन होता है 99.5 to 99.8%, कार्बन 0.1 to 0.21%, एंड इम्प्योरिटीज अबाउट 0.3%। इन स्टील आयरन 99.5%, 99.5 to 98%, एंड कार्बन 0.25 to 2% प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, कास्ट आयरन लोएस्ट अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रॉट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टील का इन बिटवीन होता है 1300 टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद हार्डनेस, कास्ट आयरन इज वेरी हार्ड, रॉट आयरन सॉफ्ट, एंड स्टील मीडियम, हैज ए मीडियम हार्डनेस। मेलिएबिलिटी, कास्ट आयरन ब्रिटल, रॉट आयरन मेलिएबल, एंड स्टील मेलिएबल एंड ब्रिटल, बोथ दोनों प्रॉपर्टी होती है इसमें। वेल्डिंग, कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, रॉट आयरन कैन बी वेल्डेड इजिली, एंड स्टील कैन बी वेल्डेड विथ डिफिकल्टी। उसके बाद है टेम्परिंग, cast iron cannot be tempered, wrought iron can not be tempered, but steel can be tempered. Magnetism, cast iron cannot permanently magnetize, but wrought iron magnetization is not permanent but easy, but cast steel can be permanently magnetized. Structure, कास्ट आयरन का क्रिस्टलाइन होता है, जबकि रॉट आयरन फाइब्रस, और स्टील का होता है ग्रेनुलर। तो इस तरह से कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ आयरन पढ़ा, और स्टील किस तरह से फॉर्म होता है, और उसके अलावा कितने टाइप के आयरन होते हैं, बनते हैं, किस प्रोसेस से बनते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में यहाँ स्टडी की। उसके अलावा मेटलर्जी का शॉर्ट में भी हमने जो बताया था फ्लो चार्ट, वो भी काफी यूजफुल था। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। जिंक इज यूजुअली, फर्स्ट कह लेंगे हम ऑक्रेन, जिंक इज यूजुअली फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट इज G4R जिंक ब्लेंड ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंसाइट ZnO, एंड वाइलमाइट Zn2SiO4। एक्सट्रैक्शन, जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाई टू मेथड, रिडक्शन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो पहले हम कार्बन रिडक्शन प्रोसेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन, जिंक ब्लेंड इज पाउडर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कैलामाइन ओर इज कंसंट्रेटेड बाई ग्रेविटी प्रोसेस, आयरन ऑक्साइड रिप्रेजेंट इज रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो तीन तरह का हो गया, जिंक ब्लेंड है तो इस पाउडर्ड एंड कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, कैलामाइन ओर इज कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी प्रोसेस, एंड आयरन ऑक्साइड इफ प्रेजेंट इज रिमूव्ड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो इससे आयरन अलग हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड, बाकी चीजें रहेंगी। सेकेंड स्टेप, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग यानी हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो कैलामाइन ZnCO3 ओर इज कैल्सिनेटेड टू रिमूव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मॉइस्चर, ZnCO3 हीट करते हैं तो ZnO+CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक ब्लेंड,
ZnS ore is roasted in reverberatory furnace at 950 degree centigrade to convert ZnS to ZnO. Some part is converted to zinc sulfate also, but at 950 degree centigrade, it is also converted to ZnOSO2, ZnO. A sulfur dioxide removed may be used for manufacturing of sulfuric acid. The reaction is here. Zinc blend, zinc sulfide reacts with oxygen at 950 degree centigrade to form ZnO and sulfur dioxide. This is 950 degree centigrade. Now ZnS also reacts with oxygen to form ZnSO4. Now ZnSO4 reacts at 950 degree centigrade, matlab heat karne pe ye banata hai zinc oxide plus sulfur dioxide or oxygen remove. So third step hai reduction of ZnO to Z, yani zinc oxide ko zinc mein kis tarah se reduct karte hain. ZnO is reduced to zinc by heating it with carbon, that is anthracite, at 1400 to 1450 degree centigrade in retort. Now ZnO reacts with carbon to form Zn and CO. ZnO reacts with carbon monoxide to form Zn and CO2. Now CO2 decomposes to carbon monoxide and oxygen, which used here. उसके बाद है प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल्स. क्रूड जिंक मेटल या स्पेल्टर कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ लेड, आयरन, कैडमियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा. दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड. फर्स्ट है लिक्वेशन. क्रूड जिंक इज मेल्टेड ऑन स्लोपिंग हार्ट ऑफ ए रिवर्बरेटरी फर्नेस वेयर मोल्टेन जिंक फ्लोज डाउन व्हाइल नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट ऑन हार्ट्स. Second method is fractional distillation. Zinc has lower melt boiling point, 907 degree centigrade, than other metals. Crude metal is distilled at 950 to 1000 degree centigrade, where only zinc and cadmium's ka melting point aata hai 760 degree centigrade. तो दो ही मेटल इसमें डिस्टिल ओवर होते हैं. कैडमियम इज रिमूव्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इससे ऊपर टेम्परेचर पे गर्म करने पे कैडमियम रिमूव हो जाता है और जिंक बचता है. सेकेंड मेथड है एक्सट्रैक्शन का, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड. इट इज मॉडर्न मेथड एंड the metal obtained by electrolytic method is highly pure. It involves following step. The crude oil is concentrated. Concentrate कैसे करते हैं, जो पहले process बताया उसी तरह से होगा. The crude ore is concentrated and converted into zinc oxide in the carbon reduction process. तो पहले के सारे reaction यहाँ लिख सकते हो. उसके बाद है लीचिंग. द रोस्टेड ओर इज लीच्ड विद डाइल्यूट H2SO4 टू कन्वर्ट इट इनटू जिंक सल्फेट. जिंक ऑक्साइड लीच्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू कन्वर्ट ZnSO4 एंड वाटर बनता है. उसके बाद थर्ड स्टेप में द सॉल्यूशन दस ऑब्टेन कंटेन द इम्प्योरिटी ऑफ FeMnCuCl, सिल्का एटसेट्रा एंड देयर आयंस इंटरफेयर्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक process. The impurities of FeMn, Al, silica, etc. are removed by precipitating these as hydroxide. For this purpose, calcium hydroxide is added in it. Ferrous sulfate reacts with calcium hydroxide. It forms ferrous hydroxide. This is ferrous sulfate. जो कि इसमें प्रेजेंस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके फेरस हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बनाता है. नाउ CuCdGe आर रिमूव्ड बाय एडिंग जिंक डस्ट इन द सॉल्यूशन. कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक डस्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है. इसी तरह से कैडमियम सल्फेट जिंक से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कैडमियम अलग हो जाता है. Now cobalt and nickel are removed by adding organic acids.
उसके बाद फोर्थ स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस. द सॉल्यूशन फाइनली ऑब्टेन्ड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग एल्युमिनियम कैथोड एंड प्योर लेड एनोड. जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड फ्रॉम विच इट मे बी रिकवर्ड बाय मेल्टिंग. Now granulated zinc is obtained by melting the metal in a clay crucible and pouring the drop of melt in cold water. Zinc sheets are made by heating metal at 150 degree centigrade when it becomes soft and can be rolled into sheets. On other way, short way हम इसको extraction of zinc किस तरह से करेंगे? Occurrence बता चुके हैं. zinc is usually found in combined state zinc blend. ये सारी चीजें बताई हैं. Limonite extraction दो प्रोसेस से होता है. रिडक्शन प्रोसेस, इसमें पहले कंसंट्रेशन होगा. When zinc blend is used, the powdered ore is concentrated by froth flotation process. In the case of calamine ore, the concentration is done by gravity process. If the ore contains iron oxide, it removed by magnetic process. अब roasting किस तरह से होती है? The concentrated ore is heated in excess of oxygen at about 1173 Kelvin. Zinc sulfide is oxidized to zinc oxide. If some of the ore is oxidized to zinc sulfate, it also decomposes at this temperature into ZnO. रिएक्शन इस तरह, जिंक सल्फाइड तो ZnO बनता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके. जिंक सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से जिंक सल्फेट बनता है और जिंक सल्फेट जो है डिकम्पोज होकर ZnOSO2 और O2 देता है, यानी ये इम्प्योरिटीज जो है रिमूव हो जाती है और ZnO बनता है. व्हेन द ओर इज कैलामाइन इटसेल्फ डिकम्पोजेस इनटू ऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ZnCO3. CO3 से ZnO और CO2 बनता है. The roasting is done in reverberatory furnace. उसके बाद reduction. Zinc oxide is reduced by coke above 1270 Kelvin. ZnO S plus C से reaction होता है तो Zn अलग हो जाता है और CO बाहर हो जाती है. There are different types of reducing furnace for the reduction of ZnO. तो ये short में था. उससे पहले पूरा detail में metallurgy बताई किस तरह से होती है. तो कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ आयरन और कंप्लीट मेटलर्जी ऑफ जिंक आज के क्लास में हमने डिस्कस किया. तो जो चार मेटल तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और जिंक, इन चारों की मेटलर्जी यहाँ डिस्कस हो चुकी है. अब अगले क्लास में हम थोड़ा बहुत और मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. उसके अलावा थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलर्जी, इस पे भी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे.